हेलो क्लास सेकेंड टुडे वी हैव स्टार्टेड अवर कर्सिव राइटिंग क्लास फ्रॉम पेज नंबर टेन राइट हेयर वी हैव हेयर वी यर लर्न अबाउट दिस एंड दैट दिस इज एक्चुअली द पर्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बट इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं कि हम घर से राइटिंग के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर भी सीख लें सो बेटा दीज हम यूज़ करेंगे कहाँ और दैट कहाँ वो हम पिक्चर के थ्रू हम थोड़ा सा सीख लें ये एक लड़की है ये एक लड़का है राइट right? इसके नज़दीक में एक डॉल है इसके दूर में एक कार है तो अगर गर्ल अगर दिखाना चाहेंगी बॉय को कि दिस इज अ टॉय ये टॉय है तो इसको दिस बोल के बोलेंगे क्योंकि ये नजदीक है और अगर बॉय अगर गर्ल को कुछ चीज दिखाना चाहे जो कि दूर है तो ये इस तरह से बोलेगा That is my वो मेरी गाड़ी है ठीक है सो so, जो चीज आपके नजदीक हो उसे आप बोलोगे दिस इज और जो दूर है वो उसको आप क्या बोलोगे दैट इज राइट सो उसके बाद हम ओवियसली राइटिंग सेशन में जाएंगे पहले हम इसको पढ़ेंगे और उसको ट्रेस आउट करेंगे टी एच आई एस इज ईस पेन राइट right? उसको आप आपकी फुल स्टॉप तो उसको आप आपकी हैंड राइटिंग से भी लिख सकते हो या तो कर्सिव राइटिंग से भी लिख सकते हो जिसपे आप कंफर्टेबल हो आप अभी सीनियर क्लास में हो क्लास सेकेंड में आपको ऑलरेडी नॉलेज है कि कैसे आपको लिखना है बट क्लास जो चीज मैंने आपको पहले भी बोला था कि लाइन मेंटेन करना आपका मेन एम है कि कौन सा स्मॉल लेटर कौन सी लाइन में आप लिखोगे वो चीज़ आपको देखना है तो वो चीज ध्यान पे रखते हुए आप आपकी हैंडराइटिंग की सेशन हैंड राइटिंग की जो क्लास मेरे साथ ले रहे हो वो कंप्लीट करोगे कर्सिव राइटिंग करते कर, करते करते ऐसा ना हो कि आपका जो लाइन मेंटेन करने की नॉलेज है वो हो जाए ठीक है क्लास सो ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू हैव रिटेन इन इंग्लिश राइट इंग्लिश हो या हिंदी आपको हमेशा लाइन में करना है आपका ईवीएस इंग्लिश की बुक कॉपी इस चार लाइन वाले कॉपी है सो so, इसको आपको यूज करना है इसको आपको ट्रेस आउट करना है और कॉपी करते जाना है टर्न पेज नंबर ट्वेल्व थर्टीन अब हमें यूज ऑफ दोज एंड दीज़ एंड का uses हम सीखेंगे। देखो यहाँ पे पेज नंबर इलेवन में एक टॉय था तो इसलिए हमने बोला था दीज़। यहाँ पे इस लड़की के पास दो तीन टॉय है, है आ, इंजिन आ, कर है और एक वैसे कार है राइट छोटा सा तो इन आ, ये तीनों मिला के इसके पास काफी सारे चीज हो गया तो जिस चीज को हम दीस बोल रहे थे दीस टी एच आई एस वो सिंगुलर था सिंगुलर मीन्स एक चीज राइट right? और ये जो दीज है ये है प्लूरल क्लास डू यू नो वट इज सिंगुलर एंड वट इज प्लूरल बेट इज सिंगुलर है जो कि सिंगल है दैट मीनस ये सिंगल है एक वन पेंसिल है ये सिंगल है राइट right? बट जब इसके साथ मैं दो पेंसिल दो तीन पेंसिल और रख दूंगी ये सिंगल रहेगा दो बन गया ना तो तब ये कहेगा तो जब एक पेंसिल हो दिस इज अ पेंसिल और जब दो पेंसिल हो या तो दो से ज्यादा हो दीज आर द पेंसिल दीज टी एच ई एस ई दीज दिस और दीज ठीक है छोटी ई और बड़ी ई का जो फर्क है वही आपको यूज करना है अब आता है दैट एंड दोज में बेटा वो जो लड़का था उसने क्या कहा था दैट इज कर दूर था उसने दैट इज बोला था राइट दैट टी एच ए टी दैट ये भी सिंगुलर है सिंगुलर है और ये जो दोज है ये प्लूरल है प्लूरल प्लूरल मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा डॉग्स है सो दोज आर डॉग्स ये क्या है डग्स है दोज डोग यानी एक अगर पेंसिल हो तो दो दैट और अगर एक से ज़्यादा पेंसिल हो तो फिर दोज जब वो दूर में रहेगा तब मैं हम कहेंगे दोज आर देंसिल और अगर आप एक एक पेंसिल है तो हम बोलेंगे दैट इज माई पेंसिल राइट तो इस तरह से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है रीड आउट करना है फर्स्ट दीज आर पेंसिल्स दोज आर काट्स दीज आर फ्रूट्स दोज आर ट्रीज राइट इस तरह से आपको रिड आउट करना है और क्या करना है ट्रेस करना है और उसको कॉपी करना है सो so क्लास जब हम सिंगुलर प्लूडल के बारे में हम बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से करें आप देखो पेज नंबर सिक्सटीन एंड सेवनटीन में कुछ वर्ड्स है बस वर्ड्स की सिंगुलर एंड प्लूरल वर्जन मेंशन है सो फर्स्ट यू हैव टू रीड द सिंगुलर वर्ड देन यू हैव टू रीड द प्लूरल वर्ड सो लेट स्टार्ट इट बॉल बॉल्स बेंच बेंचेस कॉपी कॉपीज कंट्री कंट्रीज शो शोज Rupee, rupees. Horse, horses. City, cities. Watch, watches. Fox, foxes. Apple, apples. Eye, eyes. Frog, frogs. Book, books. पेंसिल पेंसिल्स एस या तो आई ए एस या तो ई एस एड करके आप कोई भी वर्ड को क्लूरल में बदल सकते हो सो so, ये आपको ट्रेस आउट करना है और उसके साथ साथ इसको आपको रीड भी करना है और लर्न भी करना है राइट right? सो so, ये पेज आपका रहेगा होमवर्क और ये बाकी दो दो बाकी जो पेजेस है वो आपका रहेगा यू नो क्लास वर्क एंड होमवर्क क्लास वर्क सो क्लास बीच का एक पेज जो है फोर्टीन एंड फिफ्टीन अब तो ये हमें ये भी हमें कंप्लीट करना है इसमें आपको नाउन और वर्ब मिलेगा नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड यानी कोई भी पर्सन एनिमल्स प्लेसेस थिंग्स का नेम्स है और ये है वर्ब वर्ब मीन्स क्रिया यानी कुछ वर्क आप कर रहे हो आ, कुछ एक्शन आप कर रहे हो उसके बारे में बताया जा रहा है वर्ब इज एक्शन वर्ड राइट सो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिलहाल हम दीज एंड दोस करेंगे दैट और डीस एंड दैट करेंगे और उसके साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे सिंगुलर वाला सिंगुलर प्लूरल वाला पेज ये आपकी होमवर्क और डीस दैट दीज ये चैप्टर्स आपका रहेगा क्लास वर्क थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर